40 साल पहला एक कतल दे इल्जाम लगे, कई साल जेल दी सजा भी कटी, पर हुण 40 साल बाद अदालत ने कह दिता कि दो जने मासूम सन जिन्हां नूं हुण बरी कर दिता गया। न्यू ब्रंसविक दे दो एह व्यक्ति जिन्हां नूं 40 साल पहला एक कतल दे विच दोषी करार दे दिता गया सी, 76 साला रॉबर्ट मेलमैन, 81 साला वाल्टर गिल्सपाई, जो कि हुण कानून दीआं नज़रां विच मासूम ने। 1983 विच जॉर्ज गिलमैन लीमैन नामक एक व्यक्ति सेंट जॉन न्यू ब्रंसविक विच उसका कतल होया सी, जिस तों बाद हुण अदालत दा कहना है कि दोवां नूं उसते कतल मामले विच 40 साल बाद बरी किया जा रहा है, जिन्हां नूं गिल्टी नहीं पाया गया। मेलमैल ने 18 साल दे वास्ते जेल दी सज़ा कट्टी, गिल्सपाई ने 21 साल दे लई जेल दी सज़ा कट्टी, उस जुर्म लई जो उन्होंने किया ही नहीं सी। सैकेंड डिग्री मर्डर दे चार्ज उन्हां उत्ते लाए गए सन, कोई ठोस सबूत नहीं मिलिया, जिस तों बाद इन्हां नूं हुण बरी करन दा अदालत ने फैसला लै लिया, जिन्हां दे लई टोरोंटो आधारित इनोसेंस कैनेडा नामक संस्था काम कर रही सी, ते इस संस्था तों वकील 6 साल तों इन्हां दोवां वास्ते केस लड़ रहा सी। अजिही संस्था है जो उन्हां लोकां दी मदद करदी है जिन्हां उत्ते इल्जाम लगे होण जां फिर उन्हां नूं दोषी पाया गया होवे अजिहे मामलियां विच जिस विच उन्हां दा कोई कसूर ही ना रहा होवे। इस दौरान जदों अदालत ने यह फैसला सुनाया तां उस तों बाद इन्हां दोवां व्यक्तियां नूं कोई बहुती खुशी होई दिखाई नहीं दित्ती, क्योंकि इस दे पिछे मुख कारण इह वी मन्निया जा रहा है कि अपनी जिंदगी दे 40 साल उन्होंने अजिहे इल्जाम नाल कढ दित्ते जो जुर्म उन्होंने कदी कीता ही नहीं सी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो दे सेंट जॉर्ज कैंपस विच वॉशरूम विच वीडियोज़ बनाईया गई, एक 28 साल के नौजवान नू इस मामले च गिरफ्तार किया गया जिस उत्ते केस दर्ज होया, जिसने कि कई जने जिन्हां विच 14 साल की उम्र तो लैके 21 साल की उम्र तक के व्यक्ति शामिल ने, उन्हां नू शिकार बनाया कि वॉशरूम्स दे विच उन्हां दीआं वीडियोज़ बनाईया। पुलिस ने कहा कि साल 2022 विच जुलाई महीने तो लैके अक्तूबर महीने के दरमियान अजिहे मामले सामने आए, जिथे कि टोरोंटो पुलिस ते कैंपस सिक्योरिटी दे वल्लों जांच की गई, जो 7 शिकायतों घट्टो घट्ट उन्हां नूं मिलियां कि स्पैडिन एवेन्यू ते विलकॉक्स स्ट्रीट दे उत्ते जो सेंट जॉर्ज कैंपस है उत्थे वॉशरूम दे विच वीडियोज़ बनाईयां गईयां ने, जिथे कि व्यक्ति दे वल्लों जां तां खुद लुकिया जांदा सी जां फिर अपना फोन लुको दित्ता जांदा सी स्टॉल्स दे विच, वॉशरूम्स ते शावर एरियाज़ दे विच जिथे कि वीडियोज़ रिकॉर्ड करता सी। ओह जिस तों बाद पुलिस ने कहा कि जिन्हां दीआं वीडियोज़ बनियां उन्हां दी उम्र 14 साल तो लैके 21 साल के दरम्यान है, तो वीरवार नूं पुलिस ने किचनर दे रहण वाले डैंग फैम नामक नौजवान नूं गिरफ्तार कर लिया, जिस दे उत्ते 11 केस दर्ज किए गए ने, तो उस नूं अदालत विच पेश किया जाएगा, जिसकी कि तस्वीर भी पुलिस ने सांझी की है इस मंतव नाल कि जेकर कोई होर पीड़ित रहा होवे जां फिर किसी दे नाल इस व्यक्ति ने कुछ भी गलत किया होवे ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 416-808-5200 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। 23 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜੋ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ
कोई जवाब नहीं सी दे रहा, जिस तों बाद तुरंत एमरजेंसी सर्विसेज नूं बुलाया गया। तुरंत बच्चे नूं हस्पताल विच ले जाया गया। हस्पताल विच जिवें ही बच्चा पहुंचिया तां उत्थे डॉक्टरां ने उस नूं मृतक ऐलान दिता। जिस तों बाद नवंबर 17 दे दिन पुलिस नूं बच्चे दे मौत दे कारणां दे बारे रिपोर्ट मिली तां उस दे विच पता लग्या कि कोई जहरीला नशा फेंटनल वर्गा बच्चे ने निगलिया सी, जिस करके उसकी जान गई है। जिस तों तुरंत बाद एडमंटन पुलिस ने 20 साल की उस लड़की नूं जो कि उस बच्चे की माँ की सहेली सी गिरफ़्तार कर लिया। दिसंबर 11 नूं उस नूं गिरफ़्तार किया गया ते फिर उस तों बाद अणगहली वरतण दे लई बच्चे की माँ ते उसके साथी दे उत्ते भी केस दर्ज किए गए। दिसंबर 27 दे दिन जिन्हां ने अपने आप नूं खुद ही पुलिस के हवाले भी कर दिता। तीस साल तो लॉटरी पाते आ रहे एलन स्लॉट, जिन्हां ने आखिरकार 80 साल की उम्र विच जाके 10 लाख डॉलर की लॉटरी जीत ली। नवंबर 22, 2023 दे गोल्ड बॉल ड्रॉ विच जिन्हां ने लॉटरी जीती, जिन्हां ने कहा कि उन्हां दी पहली सब तो वड्डी जीत है, जिसके बारे ओंटेरियो लॉटरी ते गेमिंग कारपोरेशन ने जानकारी दी। जिन्हां कहा कि स्लॉट हफ्ते विच 2 वार लॉटरी पाते सन ते लगातार 30 साल तो लॉटरी पाते आ रहे सी कि आखिर 80 साल की उम्र विच जाके उन्होंने 10 लाख डॉलर की लॉटरी जीत ली। जदों वह अपनी पत्नी दे नाल ग्रोसरी करन गए उस समय उन्होंने अपनी टिकट चैक की। पहला उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि उन्होंने अपनी पत्नी नू अपने कोल बुलाया ते मुड़ तो उन्होंने टिकट नू चैक किया, जो कि पहला काफ़ी हैरान ते परेशान सन कि किन्नियां जीरोज़ उन्हां दी लॉटरी दे विच लगियां होईयां ने। जदों उन्होंने पता लग्या कि 10 लाख डॉलर वह जीत चुके ने तो उन्हां वल्लों बेहद खुशी का प्रगटावा किया गया। जिन्होंने हैमिल्टन दे फोर्टिनोस दे विच इह टिकट खरीदी सी, जिसनूं उन्होंने अपनी जिंदगी की सब तो वड्डी जित दसते हुए बेहद खुशी का प्रगटावा किया। जिन्हां कहा कि वह इस दे नाल एक नवी गड्डी खरीदणगे ते दान भी करनगे ते होर अपनियां कुछ चीज़ां दे उत्ते खर्चा करनगे ते उन्हां कहा कि अपनी जेतू राशि अपने परिवारक मैंबरां दे नाल भी सांझी करनगे। मिसिसागा ते ब्रैम्पटन विच रेनोवेशन दे नाम उत्ते फ्रॉड होए, जिस तों बाद पुलिस ने 42 साल दे हरदीश खिंदा नामक व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया है, जो कि नॉर्वल दा रहण वाला है। पील पुलिस ने कहा कि उन्हां दे फ्रॉड ब्यूरो ने इस संबंधी जांच कीती ते गिरफ्तारी कीती है ते केस दर्ज किए गए ने हरदीश खिंदा उत्ते। इल्जाम ने कि सितंबर 2021 तो लैके फरवरी 2023 तक हरदीश खिंदा उर्फ सनी, जो कि विवर होम इंप्रूवमेंट ते नॉर्थ साइड रेनोवेशनस तों है, जिसने कि 5 रेनोवेशन के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ते नाल ही डिपॉजिट भी लै लए सी कुल 37,000 डॉलर के वक् वक् व्यक्तियों तो। इस समय दौरान डिपॉजिट लैण तो बाद भी हरदीश खिंदा ने अपने कॉन्ट्रैक्ट मुताबक सर्विस नहीं दिती, जो कि कॉन्ट्रैक्ट विच उसने वादा किया सी कि डिपॉजिट लैण तो बाद वह सर्विस शुरू करेगा, पर अजिहा नहीं होया। जिस तों बाद वीरवार नवंबर 23, 2023 नूं जांच टीम ने चार्ज किया ते नाल ही गिरफ्तार कर लिया हरदीश खिंदा नूं, जिस उत्ते फ्रॉड के इल्जाम लगे ने। ओंटेरियो कोर्ट ऑफ जस्टिस ब्रैम्पटन विच दिसंबर 18, 2023 नूं उस नूं पेश भी किया गया सी। इस उत्ते अगे होर जांच चल रही है ते नाल ही अदालत विच जिवें कि हजे इह दोष साबित नहीं होए ने, जो अदालत वल्लों अगे फैसला आवेगा उसके उत्ते निर्भर करेगा कि हरदीश खिंदा दोषी है जां नहीं। पर जांच टीम का कहना है कि हो सकता है कि इस मामले विच होर भी पीड़ित होण, कि होर भी कई लोगों ने डिपॉजिट दिते होण ते उन्हां नूं सर्विस ना मिली होवे, अजिहे विच उह सामने जरूर आउण ते फ्रॉड ब्यूरो नाल खास तौर दे उत्ते 905-453-2121 दे उत्ते एक्सटेंशन 3335 दी वरतों करके संपर्क कर सकते हैं ते शिकायत की जा सकती है। ते नाल ही पुलिस वालियां वल्लों सलाह दी जा रही है कि जदों भी तुसीं किसे कॉन्ट्रैक्टर नाल काम करना है तां कोशिश की जावे कि थानू जानन वाले किसी व्यक्ति दे वल्लों उसनू रैफर किया गया होवे, ऑनलाइन उसके रिव्यूज देखे गए होण ते नाल ही उसकी कंपनी ते उसके काम की पुष्टि कर ली जावे पहला, ता कि कोई भी फ्रॉड का शिकार होने तो बच जावे। टोरोंटो तो कैलगरी जा रही एक एयर कैनेडा की फ्लाइट नूं उस समय एमरजेंसी लैंडिंग करनी पई विनीपैग दे इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे उत्ते, जदों फ्लाइट विच मौजूद एक नौजवान ने अपने ही परिवारक मैंबर दे उत्ते हमला कर दिता। बुधवार की दोपहर नूं 12:20 उत्ते विनीपैग दे रिचर्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे उत्ते एयर कैनेडा फ्लाइट 137 नूं लैंड करवाउणा पिया, जिथे कि 16 साल का एक नौजवान जो ग्रैंड प्रेरी का है, उसने जहाज़ विच अपने नाल वाले यात्री जो कि उसका परिवारक मैंबर ही सी उस उत्ते हमला कर दिता, जिस तों बाद जहाज़ विच मौजूद यात्रियों ते एयरलाइन दे स्टाफ ने उस नौजवान नूं रोकण दी कोशिश की। पुलिस ने कहा कि जिवें ही
ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ CMP ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਇਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।